जी हाँ, नमस्कार। एसिडिटी क्या होता शरीर में अम्ल तत्व का बढ़ जाना। है? अम्लता तत्व का बढ़, अम्लता का बढ़ जाना। अम्ल तत्व का कैसे समझ में आएगा अम्लता बढ़ गया? वो खट्टी उट्टी ढकारें जो है और आने लगे कि शरीर मुंह से पेट अच्छा नहीं लगेगा, ये एसिडिटी है। खट्टी डकार नहीं आएगी तो एसिडिटी नहीं हुआ। पेट में जलन, पेट हाँ, में जलन जलन होती है, अगर सीने नहीं में भी हुआ तो जलन होती एसिडिटी है, नहीं एसिडिटी। हुआ। ये तो इसके लक्षण हो गए, पहचान में इसी आ जाएगी। नहीं तो एक्सट्रीम स्टेज हुआ ना, ये एकदम जलन हो रहा है। अगर जलन नहीं हो रहा है तो भी एसिडिटी है, ये सामने मुंह लिखा हुआ वगैरह है, में पानी आना, मुंह से पानी आना। ये लिखा हुआ है, आप ठीक पढ़ रहे हैं। देखिए, फिजिकल हाँ वीकनेस यानी शारीरिक दुर्बलता, एसिडिक और वाटरी बेल्चिंग, मुंह में खट्टापन या मुंह से पानी आना, ठीक है ना। डिजीनेस, चक्कर आना, पेट में जलन होना, हृदय में भी जलन होना, ठीक है। ये इसके कब के लक्षण है? जब आपको एसिड बढ़ जाते हैं, योगी जी, एक लेकिन क्वेश्चन है इसी चीज पे कि जैसे ये फिजिकल वीकनेस दे रखी है और ये एसिडिक और वाटरिंग ब्लीचिंग डिजीनेस, एक बोलिए। हाँ तो क्या है है? ना, तो जैसे मुझे तो जैसे अगर हो सकता है मेरे को ये शायद बचपन से तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, लेकिन मुझे स्टमक में जलन ज्यादा रहती है, कहाँ पे? अच्छा, पेट में जलन ही ज्यादा महसूस होती है मुझे ज्यादातर, ये खाली पेट होता है या खाने के बाद होता खाने के बाद भी होता है, खाली पेट भी हो जाता है। है? हमेशा रहता है। हाँ मोस्टली ये मतलब जैसे आप आजकल तो थोड़ा सा मैं ध्यान देने लग गई तो मुझे काफी फर्क महसूस हुआ है पहले से, लेकिन मेरे जो स्टार्टिंग जो थी ना, जहाँ मुझे समझ में आने लगा, तो मोस्टली यही हुआ कि पेट में जलन ही होता है, मतलब पेट कटने से लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे जैसे कई बार कई देर तक कुछ खा नहीं पाई कोई कारण से, तो पेट ऐसे महसूस होगा, जलन तो होती ही होती है, फिर तो ऐसा लगता है पेट भी कट रहा हो जैसे। ठीक है ना, तो यही एसिडिटी है, वो आपका एसिडिटी ही है। और ये पहला लक्षण है। अब ये धीरे धीरे, मान लीजिए लोग आदी हो जाते हैं ना इसके जीने के, इसी इसी जी लक्षण में, तो जो आदी हो जाते हैं, जरूरी नहीं हमेशा जलन हो, शारीरिक दुर्बलता भी होगा, है ना, या नहीं तो आपको बॉडी में वीकनेस के अलावा थकान महसूस होना या आपको जॉइंट पेन होना, ये सब एसिडिटी। सारे कमर में, गर्दन में दर्द हो रहा है। अब एक सज्जन मिले आज, बोले कि हमने सब जगह इलाज करा लिया, आयुर्वेद भी करा लिया, पंचकर्म भी करा लिया, एलोपैथी। हम तो सोच रहे थे ना कि भैया अंग्रेजी, उनकी कमर दर्द ठीक नहीं हुई। क्या होता बताइए कि लोग आयुर्वेद इलाज कराते हैं और कमर दर्द, जोड़ों की दर्द नहीं ठीक होती? अनुपमा दीदी, आप कुछ आइडिया दीजिए, आप चिकित्सा के जगत में हैं, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आप उनका नेचुरोपैथी भी कर दीजिए, योग चिकित्सा भी कर दीजिए, लेकिन वो बताएंगे कि उनका परमानेंट नहीं ठीक हो रहा, जोड़ों की दर्द, कमर दर्द, ये सब नहीं ठीक हो रहा है। बताइए अनुपमा दीदी, सुन रहे हैं? हेमा दीदी, आप बोलना चाह रहे हैं क्या? जी, इसमें इसका मेन कारण अगर एक तो पहले तो ये भी सोच सकती हूँ कि मैं या तो उनका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट सही हुआ है तो उनका फिर वापस उन्होंने वही लाइफ स्टाइल पुरानी वाली अपना ली है, उन्होंने अपने खान पान और जीवन शैली में सुधार नहीं लाया है, उसकी वजह से शायद वो वापस आ जाता है, ओके, वेरी क्योंकि गुड। प्रॉब्लम को जैसे क्योर करा, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए हमें उसी ट्रैक पे ही रहना पड़ेगा, बहुत ट्रैक बढ़िया, छोड़ेंगे तो वो बिगड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये एसिडिटी के जो बीमारी है, एसिडिटी के कारण आगे आपको चैप्टर जब आएगा ना, रूमेटिज्म, जी अर्थराइटिस, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। एसिडिटी के कारण
आपकी बीमारी शुरू जो होती है, अब ऐसी क्या होता क्या आपके, आगे पढ़िए तब समझ में आएगा। देखिए इस चैप्टर में हम लोग टाइम लेंगे अच्छे से, हाँ, क्योंकि ये सारे बीमारियों का कारण है। एक है इनडाइजेशन, अनपच, ये अगर आप लोग जिस दिन समझ गए ना तो आप लोग आधा डॉक्टर बन जाएंगे आप, समझे, और आदमी का पेट ठीक कर दिए तो आप सब कुछ ठीक कर दो। पेट ठीक करने के लिए उसका मन ठीक करना पड़ेगा, मन ठीक करने के लिए आपको खुद का मन ठीक करना पड़ेगा, आपको खुद ये जो तीन चक्रास हम पढ़ाए ना आज, तो उसको ऊपर के चक्र से बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। यानी आप लोग सुबह में साधना अगर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो हम आपको मदद नहीं कर सकते। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान, हम बोलते हैं कभी कभी लेट होता रहता है, हम बोलते हैं आप लोग ध्यान कीजिए, कीर्तन लगा देते हैं, बोलते हैं ध्यान कीजिए। अब सोचेंगे कि यार आचार्य जी तो अभी है नहीं, करा नहीं रहे हैं, तो चलो हम कुछ और काम कर लेते हैं, तो गड़बड़। आपने अगर अपने आप को ध्यान का समय 5:30 बजे निर्धारित किया, क्योंकि हम ध्यान से शुरू करते हैं, कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, अभी जो चल रहा है हमारा शिफ्टिंग और ये वो दूसरे कार्यक्रम, तो आपने भगवान को टाइम दिया हुआ समझ लीजिए। अभी आपको प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप सब काम छोड़ के जाएंगे कि नहीं बताइए। तो संसार का जो गुरु है, मतलब दुनियावी गुरु, चाहे वो दुनियावी हेड प्रधानमंत्री, उसके पीछे तो सब काम छोड़ के भाग रहे। और जो जो भगवान का गुरु, ये दुनिया का गुरु है, जो पूरा दुनिया चलाता है, सृष्टि चलाता है, आपका जो गुरु है सबका है, वो आपको टाइम देता है, तो उसके लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते, समझे। इसीलिए समय आपने निर्धारित कर दिया, उस समय आपको बैठ जाना। जैसे 5 बजे सुबह में हिमा दीदी के साथ हम लोग शुरू किया, वो मैनेज नहीं हो रहा है, 5:30 हो गया, अब 6 हो गया, अब वो टाइम को हम, आपने अब 6 बजे आपकी अपनी टाइम रूटीन शुरू होती। किसी का जैसे वैद्यनाथ दादा है, 5:30 बजे क्लास से लेना, तो भाई आपने फिक्स कर लिया, तो 5:30 बजे आप जाओगे, जहां ओंकार कराओगे तो थोड़ी बहुत ध्यान तो होगी, लेकिन आपका ध्यान कैसे हो, आप अपनी साधना कैसे करोगे। जब तक आप अपनी साधना नहीं करोगे तो दूसरे के बीमारी को आप हील नहीं कर सकते। और अपनी साधना कर लिए और सेवा नहीं करोगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। बड़ा अजीब खेल है ये साधना और सेवा का। इसीलिए यहाँ एसिडिटी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने 7 चक्रों की यात्रा कराया एसिडिटी के पहले। योगी जी, क्वेश्चन। हाँ, एक तो मुझे ये ब्रह्म मुहूर्त का एग्जैक्ट टाइम बताइए, क्योंकि कई बार मैंने सुना है लेकिन मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता है। सूर्योदय से एग्जैक्ट टाइम है, सूर्योदय से 3 घंटे पहले। अगर 5-6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 3 बजे सुबह, और गर्मियों में 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 2 बजे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है कारण। तो जनरली 3 से 6 ही हम लोग मानते हैं, है ना, ब्रह्म मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त जो है जिस समय आपको ध्यान लगानी चाहिए, जो लोग कुंडलिनी जागरण की साधना करते हैं वो 12 से 3 के बीच में कर सकते हैं। मैं जैसे कुर्सी पर बैठ के साधना करते करते कभी कभी 3 बजे तक बैठा रह जाता हूँ, फिर मैं 2 घंटे सो के, तो मैं वो भी साधना किया ना, वो भी तो नींद ही हुई एक तरह से, योग निद्रा। योगी जी, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और, मतलब साधना, जैसे साधना ये शब्द है, साधना में करते क्या है, ये एक चीज बताइए मुझे, मतलब ये चीज क्लियर करनी है। साध लीजिए, किसको साधिएगा, चक्षुना संभरो साधु, चक्षुना मने आंखों को, संभरना मने कंट्रोल करना, ये भगवान बुद्ध ने कहा,
चक्षु ना संभरो साधु, चक्षु यानी अपने आंखों को साधो। जिव्या संभरो साधु, अपने जीव को साधो। घने ना संभरो साधु, अपने नाक को साधो, है ना। फिर नाक कान जीव, काय ना संभरो साधु यानी त्वचा यानी आपके शरीर को कंट्रोल करो। आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा। आंख चक्षु नाक घ्रानेना घ्राण घ्राण। कान कर्ण कर्ण, है ना, कर्णेना संभव सारण। तो आपको ये पांच इंद्रियों को जो कंट्रोल करे, ये पहला लेवल है साधना का। ओके, जो आपको कैसे आएगा, आप पद्मासन लगा के आप जिह्वा को खेचरी मुद्रा यानी कंठ की ओर घुमा के बैठेंगे, ये क्रिया है। लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल इस क्रिया कर लेने वाले का थोड़ी होता है, नहीं तो बहुत सारे कृत साधना करने वाले साधु है ना, वो सांसारिक भोग में फंस गए। उनको जब नाम पैसा और स्त्री का ये हुआ, नजदीकी हुआ, तो उनकी साधना भंग हो गई। इसीलिए क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए श्वास पर कंट्रोल करके मन को मंत्र के साथ, मन को त्राण देने वाले शब्द से नहीं तोड़ा। मन का त्राण देने वाला शब्द को मंत्र कहते हैं। मनना तरैत जसुसह मंत्र परिकीर्तिता, मन को त्राण दे उस शब्द को मंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मनना तरैत जसुसह मंत्र परिकीर्तिता, जो मन को त्राण दे उसे मंत्र कहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आपको जो साधना है वो तीन लेवल है। पहला लेवल है कि आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए एक मुद्रा में बैठी, चाहे पद्मासन हो, सुखासन हो, है ना, या आपका स्वस्तिकासन हो, अर्ध पद्मासन हो, वज्रासन हो, जिसमें आपकी बैकबोन सीधी नीचे लगी रहे, अब मेरुदंड आपकी सीधी रहे बैकबोन, और आपका पैर इस तरह से बांधो जिसको आप लोटस पोस्चर कहते हैं, कमल की तरह आप नीचे के पैरों को बांधते हो, तो ये होता है। और उसके बाद आप जब आप श्वास के साथ, ये हो गया पहला स्टेप, आप खिचड़ी मुद्रा लगा लिए यानी आप कंठ से, कंठकूप से, अगर आपको दिख रहा मेरा फोटो जी, मैंने जीव को घुमा दिया। ठीक है, दिखा जी, ये है खिचड़ी मुद्रा, इसको घुमा के खोलेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे। देखिए मैंने घुमाया कंठ पे, जो आपका लटकता रहता ना वो दिखेगा नहीं, हाँ दिख रहा, उस जगह पे आपको कंठ ले जाए, ये जीवा ले जाना। इसीलिए खिचड़ी मुद्रा के लिए आप ऐसे करते हो, ये जीव को ऐसे ऐसे उसका एक्सरसाइज करते हो, जीव वो ये सब हठ योग में ये सब होता है, तो जीव को लंबा करते हैं ताकि आप सीधे बंद कर, तो वो कुंडलिनी जागरण में ये सब होता है। ठीक है ना, इसीलिए आपको वो पहला है, इतना सब कुछ कर लिया और मन को आपने श्वास के साथ, अगर आप मंत्र नहीं जाप करें तो आपको एक माहौल चाहिए, जैसे ब्रह्म कुमारी वाले मंत्र जाप नहीं करते, विपासना वाले मंत्र जाप नहीं करते, तो वो माहौल में रहते हैं। देखिएगा उनको उस माहौल से हटा दीजिए तो वो छटपट आ जाएंगे मछली की तरह। ठीक है, और हम भगवान शिव के भक्त हैं, हम कीचड़ में रह के भी कमल बन जाएंगे, हम कहीं भी रहेंगे। एक मिनट, एक मिनट, तो
हम कहीं भी रहेंगे ना, तो हम जो साधक है, अच्छा साधक है, वो कहीं भी रहेगा, कीचड़ में रह के भी कमल बनेगा। ये है भगवान शिव की कुंडलिनी योग की साधना जो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप संसार में रहो, संसार से परे रहो। तेन तक तेना भुंजिता माग्रिदा कश्यश्व दिनम। आपका जो भोग है, ईशोपनिषद का पहला श्लोक कि तेन तक तेना भुंजिता, जो भोग है वह त्याग के साथ, ठीक है। तो साधना पर और आगे और बातें होती रहेंगी, जरा एसिडिटी का हम बात बढ़ा लें क्योंकि आज लेट हो गया, एक घंटा हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो साधना का एक दो स्टेज हमने आपको बता दी, आगे क्या और स्टेज बताएं कि आज ये पहला स्टेज ये कि एक आसन लगाइए, दूसरा स्टेज ये कि श्वास पर ध्यान दीजिए, तीसरा स्टेज है कि मन को त्राण देने वाले शब्द से जोड़िए, चाहे राम जोड़ो, चाहे शिव जोड़ो, चाहे कृष्ण जोड़ो, लेकिन श्वास के साथ चलिए। मैंने आपको ब्रह्म मंत्र दिया, ये मंत्र आपके लिए सिर्फ है, आप दूसरों को मत बताइए, है ना। आपको दूसरों को बताने के लिए, क्योंकि ये दीक्षा हो रही है, हम आपको जो सिखा रहे हैं यह एक दीक्षा है, और आप दूसरों को सिखाएंगे तो आपको दीक्षा देने के लिए आपके अंदर अगर उतनी ऊर्जा नहीं है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को आपको काटना पड़ेगा और आप परेशान हो जाएंगे। एक ज्योतिषी की कहानी बताता हूँ, वो उनको मैंने दीक्षा दिया, वो प्रश्न कुंडली मुझे बिठाए और मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया। चूंकि मैं ज्योतिष विद्या पर को अपने जीवन में पालन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह भविष्य तो बता देगा लेकिन भविष्य को सुधार नहीं सकता, तो भविष्य क्यों जानना जब हम सुधार नहीं सकते। अगर मान लीजिए मेरा भविष्य मुझे कहता है मैं करोड़पति बनने वाला, और अभी जो है खाने को पैसे नहीं, तो भैया अब हम अभी क्या क्या करेंगे, करोड़पति कैसे बनेंगे, कोई बता दिए उससे क्या होगा, हम करोड़पति बनेंगे कैसे, उसका कोई गुरु बताएगा, तो इसीलिए हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, राइट। लेकिन अब वो प्रश्न कुंडली में बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो उनको हमने दीक्षा दिया, उन्होंने उनको हमने बताया कि आप जो है इस साधना को दूसरे को मत सिखाना, और आप अपनी जो आप जो प्रश्न कुंडली करते हो तो आप दूसरे के प्रॉब्लम्स को अपने ले लेते, और आप इसे बाहर नहीं आना जानते। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो प्रवेश कर गया, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना सिर्फ अर्जुन का था, तो वो निकलने का जो बात था उस समय, वो जो माँ थी उनकी, जब वो नींद आ गया उनको, तो वो का पूरा वक्तव्य सुन नहीं पाई, तो बच्चा भी नहीं सुन पाया जो गर्भ में था, है ना। ये गर्भ संस्कार में हम लोग भी कराते हैं, हम लोग भी माँ जब गर्भवती होती हैं तो उनको भी भगवद गीता का पाठ कराइए, बच्चा अपने आप भगवद गीता जान जाएगा, है ना। तो यही चीज आपको साधना का एक हायर स्टेज है कि आपको मंत्र के साथ कर, और इसके लिए आप मान लीजिए बैठ के आसन नहीं भी लगा पाते हैं और श्वास के साथ करते रहते तब भी आपकी आधी साधना होती रहेगी, अर्धीश्वर प्रणिधान कहते हैं इसको। चलिए ये हो गया आपकी साधना की बात, ये अच्छा है प्रश्न, क्योंकि एसिडिटी में आपको अगर साधना नहीं करेंगे तो आपका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तो आप खाना ठीक से नहीं खाएंगे, तनाव में खाना खाएंगे तो आपका पेट हमेशा खराब रहेगा, राइट। तो देखिए ऑक्सीजन इनहेल्ड इन ब्रीदिंग एंटर्स द बॉडी एंड इवेंचुअली टर्न्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है ना, ये सब जानते हैं। थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड द डाइजेस्टिव फ्लूइड सेक्रेटिंग ग्लैंड्स आर एक्टिवेटेड। अब इसके असर से हमारा जो पाचन रस जो है, पाचक रस, वो हमारा एक्टिवेट होता है। अगर हमारा खाना, इफ फूड इज टेकन इरेगुलरली एंड एक्सेसिवली डे आफ्टर डे, और इफ फूड इज फोर्स्ड डाउन विथ लिटिल और नो एपेटाइट, और इफ ईटिंग रिच फूड बिकम्स ए स्टेडी हैबिट, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द डाइजेस्टिव फ्लूइड टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली। देखिए
इस पॉइंट को देखिए, यहां से यहां जो अंग्रेजी में लिखा है हम हिंदी में समझा रहे हैं, और जब आपको किताब मिल जाएगी तो आपको समझ में आएगी। अगर जो खाना है वो बे टाइम जब तब खा रहे हैं, भूख नहीं लगा तब भी खा रहे हैं, है ना, खाना खा लिया, सामने एक बहुत बढ़िया कोई आपका आइटम लेके आ गया, फिर खा लिया, है ना, अब भूख लगी तो नहीं खाया, काम में फंसे हैं कहीं कुछ है और खा रहे हैं, जब भूख चाय पी लिया, भूख लगी चाय पी लिया, पकौड़े खा लिया, है ना, भूख लगी बहुत तीव्र और खाना तो है नहीं, खाना बना नहीं होगा तो आपने क्या कर लिया। अभी देखिए मैं आपके साथ आपको मैं ही उदाहरण हूं, अभी मैं अभी वीडियो ऑफ किया था, मैं च्यवनप्राश खा रहा था क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया, सुबह बहुत आसन करा है, सब कुछ करा है, भोजन तैयार नहीं हुआ, भोजन हमारे सुबह 10-11 बजे तक करने का है ना, पूरा भोजन अच्छे से, वो जो हेमा दीदी ने भी सवाल किया था कि आपका सुबह का जो अग्नि है इतना तीव्र है कि आप उस समय अच्छे से खा लीजिए, अच्छा खाना खाइए, फल खाइए, सलाद खाइए और खूब बढ़िया खाना खाइए। तो हमने क्या खाया, एक चम्मच च्यवनप्राश, ओके, अब वो च्यवनप्राश हमारे एसिड को रेगुलेट किया, फिर हमने सौंफ खाया, ओके, अब ये अगर मैं नहीं करता तो मैं क्या खाता, पकौड़ा या चिप्स या कुछ भी जो कि आपके एसिड को बनाए, ये इरेगुलर खाना और हमेशा हो अगर, और जबरदस्ती कुछ भी खाना और भूख नहीं है तब भी खाना और खूब मसालेदार तड़क भड़क एकदम बिल्कुल तली भुनी, सुबह सुबह ही एकदम आप उठे और आपको बोले कि सुबह में ही एकदम बढ़िया खाना खा लेना, अब बढ़िया उसको लगता है क्या, एकदम मटर पनीर, छोले, एकदम पराठे, एकदम बढ़िया 3 तरह की सब्जी, ये उसको बढ़िया खाना लगता है, तो खाया दवा और हो गया एसिडिटी, इसीलिए क्योंकि वो खाना गरिष्ठ है। वो खाना कब खाएंगे आप, पहले आप अपने लीवर को तैयार कीजिए, जो अच्छा खाना वो पहले फल, फल के बाद सलाद, सलाद के बाद फिर उसके बाद आप खाइए, तो उसमें आपका खाने का सीक्वेंस उस तरह से होगा तो आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। और खाने में 6 रस जो आप लोग पढ़ेंगे जब आयुर्वेद की क्लास, ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा, जो लोग आयुर्वेद की क्लास ठीक से आयुर्वेद पूरा सीखना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, आयुर्वेद की क्लास अलग से होगी 4 या 5 बजे सप्ताह में 3 दिन, तो उसके लिए आप लोग जो लोग भी करना चाहते हैं वो डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी कराएंगे, तो जब आप लोग वो पढ़ेंगे किचन आयुर्वेद तो आपको समझ में आ जाएगा कौन खाना कब खाना कैसे खाना, और फिर आपका जो प्लेट पे जो खाना है वो पूर्ण आहार कैसे, आपका मीठा वो बता रहे थे ना, मीठा खट्टा और नमकीन ये 3 तो मेन हो गए, ओके, मीठा है मधुर, खट्टा है अम्ल और नमकीन है लवण। अब उसके बाद वो बता रहे थे ना चरपरा, चरपरा का मतलब तीखा, यहाँ चटपटा नहीं है, तीखा, और कटु और कसा है, कटु का मतलब यहाँ तो संस्कृत में उल्टा कुछ है, उसको रिसर्च करके देखना है, कटु मैंने वहां पर कटु मैंने कड़वा और या तीखा, ये और कसाय मैंने कसाय तो जानते हैं, अब ये हम लोग नहीं खाते जनरली, तीखा खा लेते हैं, है ना, ये चरपरा जो होता है वो खा लेते हैं, लेकिन हम लोग कटु और कसाय जैसे पुदीना हो गया, आंवला हो गया, ये नहीं खाते, भले ही वो चटनी के रूप में थोड़ा ही हो, ये सारा जो आहार है ये सब प्रॉपर अगर नहीं हुआ तो ये समस्याएं करती, ठीक है ना, तो अब ये आप लोगों को समझ में आ गया कि खाना नहीं पचेगा। अब आइए, देन जस्ट एज वन ऑन द वन हैंड
The undigested or partially digested food turns into poisonous gas. So on the other hand, secreted digested food, digestive fluid gradually turns into harmful acid. अब भैया आप अगर आपने ठीक से खाना नहीं खाया, खाना आपका बेटाइम हुआ, आपने उस खाना को खाया जो कि बहुत मसालेदार तड़क भड़क वाली है, तो अल्टीमेटली आपका जो अनपच हुआ है, जो पहला चैप्टर हमने कहा अनपच को ठीक से पढ़ना है आपको, वो आपका पाचक रस जो है, जो आपकी मुंह से लार, फिर उसके बाद पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद ड्यूडिनम में जहां पर आपकी छोटी जैसे शुरू होती है लीवर और पेंक्रियाज जहां मिलता है, वहां से बाइल जूस जो लीवर से आता है, गॉल ब्लैडर जो पित्त की थैली से, और जो पेंक्रियाटिक जूस। अब बताइए, पता नहीं आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कैसे अब पित्त की थैली निकाल देता है। मेरे पास आज एक मरीज बोला कि है ना, गर्भवती के बाद ये के बाद सीजरिन जो होता है कि ऑपरेशन करके जो बच्चा होता है, उसके कारण जनरली माताओं को ये बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। हाँ, और उसके बाद उनको ये सब हो जाते हैं। अब उनको स्टोन जो है, डॉक्टर क्या करेगा, उनकी पित्त की थैली निकाल दे। अब वो जिंदगी भर प्रोटीन ठीक से नहीं पचा सकती, वो तेल तली चीजें नहीं पचा सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों को क्या करता है, वो एक्चुअली पाचक रस से मिलता है खाना, लेकिन आप ठीक से नहीं खाते जी, ये तो अल्टीमेटली वो और ज्यादा हानिकारक हो जाता। अब आइए, द डाइजेस्टिव फ्लूइड्स आर देमसेल्व्स एसिडिक, बट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस व्हेन दे डाइजेस्ट फूड दे देमसेल्व्स आर डाइजेस्टिव। ये जो पाचक रस होते हैं ना, वो खुद एसिडिक होगा, है ना, लेकिन जो वो खाने के साथ मिलते हैं ना, तो वह खुद से वो डाइजेस्ट होता है और उसको भी पचाता है, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के आपका। अब आपने राजीव दीक्षित का वीडियो देखा होगा, राजीव भाई ने लार से बहुत सारी चिकित्सा बताई, जो नहीं देखा तो देख लीजिए, है ना, लार के द्वारा चर्म रोग, लार के द्वारा आंखों की दृष्टि, लार के द्वारा आपको जोड़ों का दर्द, सबको आप अपना सुबह का थूक लगा लीजिए। अब बताइए कितनी एसिडिक है वो उसमें अम्लता बहुत होती है ना, उसमें बदबू आता है, आप उसको बोल रहे हैं लगा लीजिए, आंखों में लगा लीजिए, चेहरे का चमक चाहते हैं जो माताएं बहने, फेयर एंड लवली लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, यही लगा ये लार, ये सब है चर्म रोग, ये सब जितने हो गए, कहीं भी दर्द है उसको लगा लीजिए, और वही आप लोग सुबह में उठते साथ, जैसे ही नींद खुल गई, उठते साथ आपने पवन मुक्तासन उच्छेप क्रिया बोलते हैं, पवन मुक्तासन और सुप्त ताड़ासन करके उठिए, सांस मत रोकिए उस समय पवन मुक्तासन करते समय, और उठ करके आप थोड़ी भगवान को याद कीजिए और तुरंत पानी पीजिए, और इस पानी को लार जो है उससे मिला के पीजिए, पूरा अंदर जाने दीजिए, ये जो लार है ये पूरे पेट के जो ये जो गंदगी है, अग्नि है, उसको साफ कर दे, कितना स्ट्रांग। तो डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है वो एसिडिक है, लेकिन मिलता है जब, तो वह खुद पचता और दूसरों को पचा, और जब भी इसमें कोई असहमता होती है तो वो पाचन नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसीलिए कॉज ऑफ एसिडिटी देयरफॉर इज द पॉइजनस गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द डीकंपोज्ड फूड टुगेदर विद प्यूट्रिड एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द डिटेरियरेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फ्लूइड्स। इसीलिए कारण एसिडिटी का यही है कि ये जो जहरीले गैस निकल गए जब खाना नहीं पचा, तो वो जा करके सड़े हुए जो खाना है जो पचा नहीं है, बदबूदार खाना हो रहा है, अनपच खाना, वो सब
जो गैस जो तेजी से आता है, तो आपको बताया था ना हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इलिकल हर्निया जो, और गुदा से निकलने वाला, सॉरी पेशाब के अंग से, ये सारे हर्निया जो है ये सब गैस के कारण होती, एसिड के कारण होती, और ये प्यूट्रिड एसिड बनाता है ना, यानी जो एसिड वो आपके, इसका नाम है, वो आपके पाचक तंत्र को डिस्टर्ब। अब प्यूट्रिड एसिड, इसका नाम है प्यूट्रिड एसिड, प्यूट्रिक एसिड मतलब जो पाचक रस के ये सब गड़बड़ी से हो रही है, आपस में वो दोनों निकल रहा है, यानी आपको भूख लग गया और आपने टाइम पे खाना नहीं खाया, भूख लग गया खाना आपने खूब खूब आया खाना आपके पास, सलाद है और आपके पास पराठे हैं टेबल पे, तो आपको पहले सलाद नहीं खा के इतनी भूख लगी है, दवा ले एकदम सीधे छोले भटूरे एकदम गरिष्ठ खाना, बस और एसिड बढ़ेगा, ठीक है ना। ये सब प्यूट्रिक एसिड है। एसिडिक गैस एंड फ्लूइड्स कॉज ए बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, चपल पेन, है ना, व्हेन दे राइज अप टू द चेस्ट दे कॉज हार्ट बर्न, ओके, एंड व्हेन दे रीच द थ्रोट बर्निंग इज फेल्ट इन द थ्रोट एंड व्हेन दे राइज फर्दर दे कॉज डिजीनेस। बहुत बढ़िया भैया, देखो आप लोगों ने माइग्रेन के मरीज को देखा होगा, आपने साइनस के मरीज को देखा होगा, आपने वर्टिगो चक्कर आने वाले मरीज को देखा होगा, ये सब गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, ये सब पित्त की थैली की प्रॉब्लम, ये सब एसिड जैसे जैसे ऊपर उठता है, पेट में जलन, फिर हृदय में जलन, फिर उसके बाद आपके गर्दन में जलन, फिर उसके बाद आपके माथे पे जलन, ये सब जलन जलन जलन, ठीक है ना। अब ये सब ड्यू टू एक्सेसिव एसिडिटी द ब्लड बिकम्स एसिड डोमिनेटेड, ठीक है, अगर ये एसिड हो जाएगा खूब आपके शरीर में एसिड एसिड हो जाएगा, और अब क्या होगा, बींग ओवरवर्क द ब्लड प्यूरिफाइंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो बिकम वीक एंड द पेशेंट फील्स वीक। अब आपको जितने भी अंग हैं जो आपके पे, आपको सप्त धातु में तो बताने वाले हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। अब ये मेद कहाँ बन रहा है ना, मेद यानी फैट, वो आपकी एसिड बनेगी तो फैट आपका एक्स्ट्रा बनेगा, और वो आपकी रस रस तत्व जल यानी चाइल है ना, काइल भी बोलते हैं, रक्त यानी खून, ये कहाँ बन रहा है, ये आपकी बोन मैरो में, हड्डी, ये सब अलग अलग अंग है, ये ठीक से बनेगा नहीं, जब बनेगा नहीं तो आपका हड्डी कमजोर, आपकी बोलेगा खून नहीं बन रहा है तो बोलेगा एनीमिया हो गया, खून ही नहीं बन रहा भाई, और आपकी बोलेगा प्लेटलेट्स कम हो गया, WBC RBC कम। अब आप टेस्ट कराइए तो देखिएगा, आपको वो सब टेस्ट में दिखेगा। तो दिस ओवर एसिडिटी ऑफ द ब्लड ऑल्सो कॉजेस स्वेलिंग एंड कंसिक्वेंट पेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एस्पेशली द ज्वाइंट। द नेम ऑफ दिस कंडीशन इज रूमेटिज्म। मैं आपको बोला था ना कि आपको जोड़ों की दर्द हम पढ़ाएंगे, तो इसका कारण यह दिखे, यही आपके जोड़ों के दर्द का कारण, यही कारण है जिसके कारण अगर कोई मरीज आपके पास आता है जोड़ों के दर्द से, कमर दर्द से, और उसने खूब नेचुरोपैथी करा लिया जो हिमा दीदी ने बोला, और करा लिया और उसके बाद भी उसकी दर्द दूर नहीं हुई, इसीलिए क्योंकि उसने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया। मैंने क्या बोला आज उस मरीज को, उसने बोला मैंने नेचुरोपैथी भी करा लिया, पंचकर्म भी करा लिया, हम बोले आपको एकादशी रेगुलर करना होगा, जीवन भर करना, एकादशी के दिन आपको, आपको एकादशी में अम्लता बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि सूरज पृथ्वी और चांद तीनों एक दिशा में आ जाते हैं, कब, एकादशी से, एकादशी के 4 दिन बाद पूर्णिमा में, और एकादशी से 4 दिन बाद अमावस्या में, तो अमावस्या पूर्णिमा में सूरज पृथ्वी और चांद, पूर्णिमा में आपका चांद जो होता है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में होता है, इसीलिए उसको चांद में सूरज की रोशनी आती है तो चांद पूरा चमकता है, अमावस्या में पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाता है, तो क्या होता है,
चांद दिखता नहीं क्योंकि सूरज पृथ्वी बीच में है, अमावस्या के। लेकिन दोनों स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाती है पृथ्वी पे। अब पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो आपके आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कौन है? आपका माथा, मस्तिष्क। तो सारा गैस आपके माथे पर आए। अब आपकी एकादशी में 4 दिन पहले, उस दिन चावल नहीं खाते। अरे भैया चावल नहीं खाओगे, रोटी खा लोगे तब भी एसिडिटी हो जाएगी। खाना ही नहीं अनाज, ये तो पता नहीं पंडितों ने कैसे समझाया, है ना? अनाज खाना ही नहीं, उस दिन चावल से ज्यादा एसिडिटी होती, ठीक है ना? लेकिन आजकल रोटी से भी एसिडिटी, क्योंकि रोटी जो होता है गेहूं, वो चोकर वाला नहीं होता, वो चाल करके एकदम मैदा हो जाता, तली बुनी होती है, अनाज खाना ही नहीं। और सब्जी भी मसालेदार होती तो खाना ही नहीं। तो आपको एक दिन सिर्फ फलाहार कर, और दूसरे दिन लघु संघ प्रशालन करना है। अभी आप लोग तैयार हो जाइए, जो लोग नवरात्र कर रहे हैं। आज कौन सा है? महागौरी थी चाष्टम। आज कौन सा दिन है? अष्टमी है ना आज? आज अष्टमी, अष्टमी। कल नवम सिद्धिदात्री थी, सिद्धि। हमने सब आपको योगी आपको चीजें बताई है। आपने ये श्लोक को योग से जोड़ करके सुना है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन श्लोक जरूर सुना है कि सैल की सैल पुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटे थी, कहा कुष्मांडे थी चतुर्थकम स्कंद माते थी कात्यायनी। लेकिन हमने जो आज छोटी सी वीडियो आपको भेजा उसमें आपको आपको ये किया, और हम हर दिन समझा रहे कि ये समझाया कि नौ रात्रि यानी अंधकार है, बंधन है। और आज मैंने बच्चों को भी प्रैक्टिस कराया सुबह के पार्क में, बोला बोलो प्रथम शैल पुत्री थी, है ना? सब बोले, बच्चे बूढ़े सबको जो वहां थे, सब लोग वहां 62 साल के बुजुर्ग भी थे क्लास में पार्क में, और है ना एक 8 साल का एक बालक भी था, 8-10 साल का बालक, सब लोगों बोला। तो ये कात्यायनी थी शास्त्रकम, ये थर्ड आई कॉन्सियसनेस जिसकी नहीं जगती वही ये सब खाना खाता, वही एकादशी का व्रत नहीं करेगा, वही जो है बोलेगा ना ना ना, ना। मेरे को तो आहार निद्रा भय मैथुन, खाना खाना सोना डरना और संभोग कर, ये 4 वृत्ति पशु के हैं, वो मनुष्य भी कर रहा आज, सब सबको ही कर रहा। मनुष्य में कौन है? योगासन थोड़ा कर लिया, उपवास कर रहा है? नहीं कर रहा। योगा टीचर्स नहीं कर रहे एकादशी का व्रत, जानते ही नहीं। कौन सिखा रहा उसको? भगवान शिव की ये साधना जो हम आपको बता रहे हैं कि एकादशी का व्रत क्यों करना है। और हम निर्जला करते हैं, हम 24 घंटे बिना पानी के करते हैं, हमारे सारे साधक 24 घंटे बिना पानी के उपवास करते हैं। आपके जयपुर में ही आप, आपको 10 परिवार के पास आपको मिला दूंगा, एकादशी में उनके घर चले जाना, देखना खाना नहीं बनता, पानी भी नहीं पीते वो लोग, और दूसरे के लिए खाना बनाते हैं कुछ लोग जो ज्यादा व्रती होते हैं, और उनको जाके भंडारा करके आएंगे, खाना खिलाएंगे दूसरे, ये सदा व्रत। अब आप सोचो कि ये आप करेंगे जब, तब जाकर के दूसरे दिन लघु संघ प्रक्षालन करेंगे, पेट साफ करेंगे, तब जाकर के आपकी ये गैस आपके ऊपर नहीं उठेगी, जोड़ों में नहीं जाएगी, कमर में नहीं जाएगी, और आपको एसिडिटी दूर हो। मैंने क्यों आज आपको पूरे चक्र साधना आपको पहले दिखाया, तब जाके एसिडिटी चैप्टर शुरू किया, इसीलिए समझ गए, क्योंकि एसिडिटी कोई भौतिक बीमारी नहीं है, आपकी इंद्रिय सुख का बीमारी, ठीक है ना? अब बात तो यहाँ पर हम मेडिकल साइंस की कर रहे हैं, ये सब जो हम बोल रहे हैं, when a strong and continuous effort is being made by the body's organs to purify the over acid blood, this condition is called colic or the shooting pain, है ना? ये तो आपका जो होता है ना, बड़ा जबरदस्त जो बोल रहे हैं ना, जलन, कोलिक पेन, कोलिक मतलब आपके आंतों की जलन, है ना? ये सब खूब आपके सारे अंगों में ये फैल गया, और खून को भी आपने एसिडिक कर दिया, तो आपका ये होगा। तो कारण आप लोग समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण की इस श्लोक के साथ मैं समाप्त करूंगा। इस आसन को आप देख लीजिए, ये आसन वही सब आसन है जो अनपच में था। उच्छेप मुद्रा का मतलब पवन मुक्तासन करके
उठ करके पानी पीना। मयूरासन आपको पता ही है, मयूरासन हम बताते हैं, कोशिश कराते हैं, आपको नहीं होता है तो आप मंडूकासन करिए, पवन मुक्तासन करिए, पाद हस्तासन स्ट्रेचिंग है, उड्डयन बंद है, मुद्रा है, अग्निसार है, अग्नि प्राणायाम है, ये सब आपको सीखना है। उत्कट पश्चिम उत्तानासन है, सर्वांग आसन और अग्नि मुद्रा, अग्नि प्राणायाम, ठीक है ना, ये सब आपको करना है। ओके, अब ये अगले दिन हम पढ़ेंगे। हम बोले एसिडिटी चैप्टर एक दिन में समाप्त नहीं करेंगे, अगले दिन फिर करेंगे। इसमें आपको ये पढ़ लीजिएगा, ये अंग्रेजी में लिखा है और मैं आपको हिंदी इसका भेज दूंगा, एसिडिटी का आज, ठीक है ना। एडी में भी दर्द, इसी एडी में दर्द भी यही कारण माना जाता है, दुनिया के किसी वात रोग का कारण एसिडिटी, एसिडिटी सारे दर्द का कारण है आपका, एसिडिटी सारे दर्द, वात रोग है, पित्त रोग होगा। जैसे एक चीज और पूछना चाहूंगी इसी में, जैसे मान लीजिए बड़ों में तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने मतलब जैसे आहार गलत लिया होगा, लाइफस्टाइल गलत कर ली या सोचा ज्यादा होगा, लेकिन बच्चों में जैसे जब स्टार्ट हो जाती है तो उनका कैसे क्या कहा जाए? माँ के गर्भ से शुरू होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है। आपने देखा बच्चे को जॉन्डिस होता है पैदा होते ही, है ना, और उसको डॉक्टर लोग टाल देते हैं, बोलते हैं अरे ये तो कॉमन बात है, जुवेनाइल जॉन्डिस। अरे कॉमन वुमन नहीं है, माँ को आपने इतना उल्टा पुल्टा दवाई खिलाया, माँ ने खुद, माताओं ने फल और सलाद कम खाया और खट्टा चीज खाने का ज्यादा मन, दवाइयां तो भर भर के खिलाते हैं। हाँ तो अंग्रेज है ना, हम तो बोले ना कि भारतीय अंग्रेज है हम सभी, जितना जल्दी भारतीय हो जाएंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम जो है डॉक्टर उनको कहते हैं डॉक्टर ने बोला, और हम लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, एक खुद का डॉक्टर बनो ना, ठीक है ना, ये है। इसीलिए मुझे मुझे ये बचपन से है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन। नहीं नहीं बिल्कुल, देखो हम तो, लेकिन ये कारण सब आध्यात्मिक संबंध, सत्संग कीर्तन के साथ साथ आपकी योगासन प्राणायाम सब है, सब होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं खाते पीते एकदम मोटे हो रहे हैं, है ना, एसिड भी हो रहा है, खा पी भी रहे हैं, ठीक है, गैस भी हो रहा है, पेट भी बढ़ रहा है, कीर्तन खूब कर रहे हैं, अरे मत पूछो, वो मोटे हो गए हैं एकदम, पेट बड़ा हो गया, लेकिन कीर्तन में एकदम मस्त, खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब भजन कीर्तन। अब वो आध्यात्मिक तो है लेकिन इंद्रियों पर, वो जीवा इंद्रिय पर कंट्रोल, ठीक है ना, बड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और किसी का कोई सवाल है या एंड करना? वो फंगस के लिए ट्रीटमेंट, योगिक ट्रीटमेंट में क्या करना होगा? मैंने बोला ना पहले एसिडिटी ठीक कीजिए, पेट ठीक कीजिए, पूरा रामायण खत्म हो गया, अभी भी आप सीता को पूछ रहे हैं कि आपके फंगस की ट्रीटमेंट फिजिकल नहीं है, मलम लगाने से नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों को फंगस, उसका पेट ठीक कीजिए, पाचन तंत्र ठीक कीजिए, उसका लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, आप मलम लगा दीजिए, मलम मलम जो है वो जो मिलता है वो दुकान में लगा दीजिए, है ना, हल्दी का सेवन कराइए, हल्दी को लगाइए भी, है ना, उससे आराम होगा, कच्ची हल्दी और दही, है ना, ये नुस्खा बता रहा हूँ, कच्ची हल्दी और दही, एक चम्मच कच्ची हल्दी और एक चम्मच दही, उसको रोज 6 महीने तक खिला दीजिए, 6 महीना तो 15 दिन में ही असर पड़ जाए, खिलाना है उसको, एक चम्मच कच्ची हल्दी, एक चम्मच दही का, कच्ची हल्दी का रस उसको और एक चम्मच खिला देना है, हाँ खाली पेट, ठीक है, ठीक, एक चम्मच कच्ची हल्दी का रस और एक चम्मच दही, लेकिन आप शॉर्टकट में मत जाइए, पहले उसका पेट ठीक कीजिए, आसन कराइए, प्राणायाम कराइए, पेट साफ करिए, उसका पेट को साफ कराइए, उसको नींबू पानी, त्रिफला और ये सब हम आपको क्लास लेंगे डिटॉक्स का, शुद्धि क्रिया का, है ना, चलो ठीक है ना, चले फिर, सबको नमस्कार। और कोई प्रश्न, एनीवन? चलिए एंड करूं, सबको धन्यवाद, शाम को 7 बजे मिलते हैं, नमस्कार। आयुर्वेद की क्लास जिनको जिनको करना जल्दी बता दीजिए।
योगी जी, ये क्या अभी मतलब तुरंत ही स्टार्ट होगी क्या ये? अगर मान लीजिए इस कोर्स के बाद, अगर क्योंकि मैं इस कोर्स के बाद चाह रही थी अटेंड करना ये कोर्स 3 महीने होगा, जी, क्योंकि अभी तीन महीने फिर इतना मतलब समय निकालना मुश्किल है। ये कोर्स आपका अभी सितंबर 15 को शुरू हुआ, विधिवत तो अभी चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जी अभी इसकी सिलेबस भी हम आपको ठीक से लिख के नहीं दे पाए, रूटीन भी सेट ठीक से नहीं हो पा रहा, लोग आना जाना मस्ती कर रहे हैं, है ना। तभी मैंने आज बोला ना कि फ्री में सिखाओ, तो बच्चे लोग, आप लोग तो चलो जिम्मेवार लोग, बच्चे लोगों को वही है, फ्री में सिखा रहे क्या है ना, योगी जी बुलाए, चल यार कोई खर्चा। अभी उसी में उनको कर्ज लेकर के, और कुछ लोग अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख के फीस भरते हैं, तो देखो वो क्लास मिस करते हैं नहीं करते, जी है ना। ये आज का है ट्रेंड, लेकिन इसके बावजूद भी हमें गुरुकुल परंपरा को वापस लाना है, इसीलिए हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती पैसा लेके हम पढ़ाए, वो योगी परमात्मा दास जी वो जिन जो बोल रहे थे ना, वो यही था कि हमारा उनका यही डिफरेंस, हम अपने स्वभाव को नहीं बदले, हम भगवान की जो सेवा का जो कार्यक्रम है उसको व्यापार में नहीं बदल सकते, ठीक है ना। तो योग साधना का व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन हाँ, चिकित्सा के लिए हम उनको चिकित्सक बनाएंगे, उनसे पैसे लेंगे, आपको सर्टिफिकेट देना है तो पैसे तो देना हो, ऐसे आप ज्ञान ले लो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, फिर सबको नमस्कार, धन्यवाद। प्रणाम। डॉक्टर जयंत दादा नमस्कार, कैसे हो।